बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की सोशल स्टडीज़ ग्रेड वन की किताब, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में हेल्प देंगे, जबकि आपका रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल के लिए बच्चे को सबक बेहतरीन तरीके से समझाने में मदद देगा। हमारा समर पैक और हमारा रिसोर्स पैक आपको कैंटर की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। तो आज हम देखते हैं हमारा लेसन क्या है। आज हम सोशल स्टडीज ग्रेड वन का अपना लेसन 7 देखेंगे। हमारा लेसन 7 है फन इन द प्लेग्राउंड एंड आर SLO इज रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेग्राउंड फॉर हेल्दी एम्यूजमेंट। हम अपने इस SLO को अपने पिछले दोनों लेक्चर्स में लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के स्किल के थ्रू अचीव कर चुके हैं। टुडे वी विल यूज आवर लास्ट स्किल ऑफ राइटिंग। इसके लिए हम अपनी टेक्स्ट बुक और हमारे पास मौजूद वर्कबुक से एक्टिविटीज़ को करेंगे और अपनी एक्सरसाइजेज जो रह गई हैं उनको, रिमेनिंग को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपने इस SLO को कंप्लीट करेंगे। आपका पहला होमवर्क आपकी वर्कबुक से है, विच इज़ बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेटिंग एंड एज वेल एज राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, आस्क योर टीचर और यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ वी कैन कीप आर पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड क्लीन। लिसन टू हिम हर केयरफुली एंड राइट डाउन वट ही शी सेज। अपने पेरेंट्स के पास जाएँ, उनसे पूछें कि हमें अपने पार्क को या प्ले ग्राउंड को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए। अपने वालिदैन को गौर से सुने और जो भी आपको वो जवाब दें वो आपने यहाँ पे ब्लैंक्स में रिटर्न फॉर्म में लिखना है। नाउ सी द नेक्स्ट होमवर्क विच इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द प्लेग्राउंड रूल्स विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपके पास यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो हमें प्लेग्राउंड में फॉलो करने चाहिए। इन रूल्स के साथ, इन सेंटेंसेज में हमने आपको रूल्स दिए हैं, इनमें कुछ वर्ड्स फिट होंगे जो इस सेंटेंस को और इस रूल को कंप्लीट करेंगे जो कि आपके पास वर्ड बैंक में आपके सामने हैं। द वर्ड्स आर केयर, वेट, द वेस्ट एंड फाइट। नाउ सी द सेंटेंसेस और सी द रूल्स एंड पुट डाउन द राइट वर्ड इन द ब्लैंक। द फर्स्ट वन इज नेवर थ्रो डैश इन द प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करेंगे क्या हमें प्लेग्राउंड में क्या चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए। इसमें से देखें, इज इट केयर, नो। इज इट वेट, नो। इज इट वेस्ट, यस। Never throw the waste in the playground. Next, see the next one. Take dash of all equipments in the playground. Playground में मौजूद तमाम equipments को हमें क्या करना चाहिए। The next is always dash for your turn. आपको अपनी बारी के लिए क्या करना चाहिए। And then see the last, which is never dash with other children in the playground. और हमें दूसरे बच्चों के साथ किस तरह बिहेव करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए प्लेग्राउंड में, वो यहाँ पर आप वर्ड बैंक में सर्च करें और यहाँ लिखें। इसके बाद अपना दूसरा होमवर्क अपने टेक्स्ट बुक से देखें, विच इज़ आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाई डू वी नीड अ प्लेग्राउंड। हमें प्लेग्राउंड की ज़रूरत क्यों है या प्लेग्राउंड के हमें क्या फ़ायदे हैं। यहाँ पे आपने कोई भी एक हेल्दी अम्यूजमेंट यहाँ पे लिखनी है। एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द गेम्स वी प्ले इन द प्लेग्राउंड। हम प्लेग्राउंड में कौन कौन से गेम्स खेलते हैं, हम बहुत सारे गेम्स के बारे में देखा, कुछ हमारे पास राइड्स भी थी, तो आपने यहाँ पे उन गेम्स के बारे में बताना है जो हमने यहाँ पर पढ़ी। And see the third question, name some of the equipments we have in the playground. This question is about the rides we see in the playground. So write down the name of any two of the equipments which we see in the playground. The last one is, how we can keep our playground clean. हम किस तरह से अपने playground को साफ सुथरा रख सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी एक step लिखें यहाँ पे और इस सवाल को पूरा करें। Now see the next homework from your book again, which is brush up your ideas, put the letters in the correct order and find them in the word puzzle. यहाँ पर ये आपको word दिया है, इस word को ठीक करें। हमने आपके लिए इसको jumble up form में दिया है, इसको बिल्कुल correct form में करें और उसके बाद जो word यहाँ पर बनेगा उसको यहाँ पर puzzle में search out करें और लिखें। Let's see the first one, it's SINWG. तो ये क्या word बनेगा हमारे पास इसको correct form में करने के बाद, swing।
And now find out the swing word in this word bank. Here is the word swing in this puzzle form. Now find out all these words. First write this correct form and then find out in this puzzle and complete your homework. हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया. थैंक यू सो मच फॉर नाउ. टिल देन अल्लाह हाफिज़.